क्राउन जूल 2024 इवेंट को होने में अब ज्यादा लंबा टाइम रह नहीं गया एंड ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस इवेंट को अपने मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट जैसा बना रही है। ये मैं बोल रहा हूँ उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस इवेंट के लिए टोटल 7 मैचेस बुक किए हैं, जो कि वो सिर्फ अपने बड़े शोज के लिए करते आ रहे हैं, बाकियों के लिए तो 5 ही हो रहे हैं ना, जिससे कि क्लियर होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने इस इवेंट को भी मेजर पीएलई की तरह सेल करना चाहती है। एंड इनमें 3 ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। फर्स्ट वन इज द वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवन्स, सेकंड वन इज कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर एंड थर्ड वन इज द ओजी ब्लडलाइन वर्सेस द न्यू ब्लडलाइन। इन मैचेस के बारे में सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी कि जय ब्रो एंडिंग्स बताओ इन सब की, कि क्या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अब देखो मैं थोड़ा सा बीमार था यार, तो मैं सब पे एक डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने फिर सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में तीनों मैचेस की एंडिंग्स को डिस्कस कर लिया जाए सबके मेन मेन पॉइंट्स लेके, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक स्टोरी लाइन शो है तो इसमें जितनी ज्यादा मैचेस की एंडिंग्स मैटर करती है उतने रिजल्ट्स भी नहीं करते। तो पहले यार किस मैच से शुरू करें? आई थिंक केविन ओवन्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच से हमें शुरू करना चाहिए। तो पहली एंडिंग तो यहाँ से ये हो सकती है कि भाई ये मैच नो कॉन्टेस्ट में या तो नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाए, मतलब इस मैच का कोई भी क्लीन रिजल्ट ना निकले, वो इस तरह पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हम सबको पता है ट्रिपल एच ने स्पेशली वॉर्न किया था रैंडी ऑर्टन को कि भाई मैं केविन ओवन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूं केविन ओवन्स से, इसलिए ये वो मैच सेट नहीं कर रहे थे। बट रैंडी ऑर्टन ने खुद से सारी चीज डिमांड की कि नहीं नहीं मुझे तो मैच चाहिए चाहिए केविन ओवन्स के अगेंस्ट, क्योंकि उसने मुझ पर अटैक किया ऐसा वैसा जो भी उनके बीच प्रॉब्लम हुई। तो हो सकता है कि जब भी दोनों आमने सामने आए तो इनकी राइवलरी तो काफी पर्सनल है क्योंकि फ्रेंडशिप टूटी है, तो क्या पता नॉर्मल मैच रेसल करने की जगह एक दूसरे को ब्रूटलाइज करने की कोशिश करें, और आपको पता है कई बार ब्रूटलाइज करने के चक्कर में बंदे वेपन्स तक का यूज कर लेते हैं, और अब जब ये एक नॉर्मल सिंगल्स मैच है तो डेफिनेटली अगर उन्होंने थोड़े से भी रूल्स ब्रेक कर दिए, चलो मान लो वेपन ना भी यूज करें लेकिन फ्रस्ट्रेशन में एंगर में कोई भी ऐसी चीज की जो कि मैच की रूल्स के खिलाफ जाती है, तो डेफिनेटली मैच नो कॉन्टेस्ट में या फिर नो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाएगा, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर इनकी स्टोरी को थोड़ा स्ट्रेच करके सर्वाइवर सीरीज तक भी लेके जा सकती है। अब वो होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेट्स सी व्हाट वी गेट। पर इससे नेक्स्ट एंडिंग की तरफ मैं चलूं तो वो ये हो सकती है रैंडी ऑर्टन ये केओ चैप्टर ही क्लोज कर दे, यानी कि वो इस मैच में क्लीन जीत जाए, ना कोई चीटिंग ना कोई इंटरफेरेंस, आराम से वो केविन ओवन्स को हरा के पूरी कहानी खत्म कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लगती है क्योंकि जिस तरह चीजें अभी फर्दर लीड कर रही है इतनी जल्दी स्टोरी खत्म हो जाएगी ऐसा तो होने नहीं वाला है, क्योंकि इन दोनों के बीच ऐसा नहीं कि भाई पहले से कुछ प्रॉब्लम थी या फिर इनका एक दूसरे पे हील टर्न या फिर फेस टर्न हुआ है, मेन पूरी स्टोरी लीड कर रही है कोडी रोड्स की वजह से। केविन ने कोडी पे टर्न की जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन को खराब लगा और समझाने की कोशिश करने गए, जिसके चक्कर में ऑर्टन और केओ के बीच लड़ाई शुरू हुई है। तो ये थोड़ा सा इमेजिन कर पाना करंट टाइम में मुश्किल लग रहा है कि इनकी स्टोरी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, और अब जब इनकी स्टोरी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी तो डेफिनेटली मुझे पर्सनली लगता है कि केविन ओवन्स यहां पे इस मैच को जीत सकते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल लग रहा है, तो जो यार वो इसलिए पॉसिबल लग रहा है क्योंकि केविन अभी हील सुपरस्टार है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस तरह ने पोर्ट्रे किया है कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, तो हो सकता है कि वो किसी हील टैक्टिक का यूज कर लेना मैच को जीतने के लिए, जरूर थोड़ी कि क्लीन ही हराने हैं रैंडी ऑर्टन को, क्या पता किसी वेपन का यूज करें, क्या पता लो ब्लो हिट कर दे रैंडी ऑर्टन को, कुछ भी वो हील टैक्टिक हो सकती है ना। तो इस तरह केविन ओवन्स अगर इस मैच को जीत जाएंगे तो फर्दर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों को मैच आगे के लिए सेट कर सकती है, या तो केविन ओवन्स को फिर कोडी के अगेंस्ट डाल सकती है एट सर्वाइवर सीरीज। और इस मैच से इससे ज्यादा एंडिंग्स तो मुझे पॉसिबल लग भी नहीं रही है, अगर आपको लगती है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल मैं चलता हूं इससे नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि होने वाला है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द रिंग जनरल गुंथर के बीच फॉर द क्राउन जूल चैंपियनशिप, जिससे कि मेरा तो बड़ा दिमाग खराब हुआ, क्या ही पॉइंट है भाई, बिल्कुल पॉइंटलेस मैच है ये, फालतू में सारी स्टोरीलाइंस लटकाने वाला काम है ये, तो सऊदी वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई को पैसा अच्छा खासा दे रहे, नहीं तो ये मैच करने का कोई सेंस नहीं बनता है भाई यहाँ पे। कहाँ यार कौन कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरीलाइन चल रही है, ये तो एक फिलर मैच डाल दिया उन्होंने, वो भी एक ऐसी टाइटल के लिए जो कि ज्यादा शोकेस भी नहीं की जाएगी, क्या ही बोले क्या ना बोले डू डू वी डू स्कूबी डू। लेकिन यहाँ की मैच एंडिंग्स इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंसेस हो सकती है, एक तो हो सकती है केविन ओवन्स की, अगर वो यहाँ पे आ गए ऑब्वियसली बात है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला उनकी मेन स्टोरी तो कोडी रोड्स के अगेंस्ट है ना, उन्हें कोडी से प्रॉब्लम थी इसलिए उन्होंने उन पे अपना हील टर्न कर दिया, अब डेफिनेटली उनके बीच चीजें खत्म तो हुई नहीं है, उल्टा चक्कर इतना पड़ गया कि केविन को सस्पेंड करना पड़ गया डब्ल्यूडब्ल्यूई को, अब तो उनके अंदर और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो गई होगी कोडी को लेके, और अब जब कोडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट मैच है, जब दो ब्रांड्स के टॉप चैंपियंस एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं फॉर वन इनॉग्रल चैंपियनशिप, तो क्या पता केओ इस मैच में इंटरफेयर करके कोडी को ये मैच प्लस ये टाइटल ही कॉस्ट करवा दे, जिससे कि एक ये चीज भी हो जाएगी ना कि कोडी रोड्स वीक भी नहीं फील होंगे क्योंकि यार अब
चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है, किसी भी टॉप चैंपियन को आप वीक तो फील करवा नहीं सकते हो। डेफिनेटली जब वो वीक फील नहीं होंगे तो वो अच्छी बात हो जाएगी कि वो एक तो वो वीक फील नहीं होंगे और गुंथर क्राउन जूल चैंपियन भी बन जाएंगे। और अब जब मैंने इंटरफेरेंस नहीं इंटरफेरेंसेस की बात की इस मैच में जो हो सकती है, तो वो सिर्फ केविन ओवेंस नहीं है जो इंटरफेयर कर सकते, देयर इज वन मोर गाय एंड ही इज नन अदर देन बिल गोल्डबर्ग। देखो यार, क्राउन जूल है, आपको पता है सऊदी का इवेंट है, गोल्डबर्ग रिसेंटली बैड ब्लड इवेंट में आके गए और सिर्फ आए नहीं थे, इवन उन्होंने गुंथर के साथ थोड़ी सी नोकझोंक भी कर ली थी। और उसके बाद तो उन्होंने कहा भी है कि भाई अभी तक सारी चीजें खत्म हुई नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हो सकता है ना कि अगर WWE को गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच करवाना है इन फ्यूचर, तो यहाँ पे गोल्डबर्ग आके गुंथर को कॉस्ट करवा दे ये मैच। और अगर वो ये कर देते तो गुंथर इस मैच को हार भी जाएंगे, वीक भी फील नहीं होंगे क्योंकि इंटरफेरेंस की वजह से हारे, और कोडी रोड्स बन जाएंगे हमारे इनॉग्रल क्राउन जूल चैंपियन। बट अब हम बिल्कुल फाइनल मैच की तरफ आ जाते हैं। पहली चीज तो ये हो सकती है कि न्यू ब्लड लाइन नंबर्स गेम की वजह से इस मैच में जीत जाए। देखो यार, ऑब्वियसली तीन बंदे और दूसरी तरफ चार बंदे, तो कहीं ना कहीं उनकी डोमिनेंस बढ़ ही जाती है। और वैसे भी WWE यार न्यू ब्लड लाइन को बहुत लंबे टाइम से, कितने सारे महीने हो गए, इतना स्ट्रांगली बिल्ड कर रही है कि देख के फील नहीं होता कि ये बंदे हार सकते हैं, वो भी क्लीन। आई अंडरस्टैंड कि इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं, इसलिए मैंने इसे सबसे नीचे भी रखा हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ ओजी ब्लड लाइन है। भले ही उनके पास नंबर्स में बंदे कम है, सिर्फ तीन लोग हैं ये, लेकिन फिर भी ओरिजिनल ओरिजिनल ही होती है भाई। जे जिमी और रोमन, जहां से कि ब्लड लाइन की शुरुआत हुई थी 2020 में, जब वो किसी के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं और वो क्लीन हार जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस एंडिंग को मैंने टॉप पे क्यों नहीं रखा है, क्योंकि यार हम सबको पता है WWE को यहाँ पे एंड नहीं करनी है स्टोरी, उन्हें सर्वाइवर सीरीज के लिए लेके जाना है ये मैच, जो कि एक वॉर गेम्स मैच होगा। और WWE को अगर वो मैच लीड करना है तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है ये वाला मैच एक केओस में एंड होगा, ना कि क्लीन। और वो केओस क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला न्यू ब्लड लाइन के साथ चार बंदे एक साइड तीन है, तो क्या पता नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए एक और बंदा आ जाए इनके साथ, जो कि हो सकते हैं सैमी ज़ेन। सैमी भैया मिले थे ना जेओसो से बैक स्टेज, बोल रहे थे ना कि यार तुझे नहीं जाना चाहिए था एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, क्या पता उनका भी मन बदल जाए और वो सरप्राइजिंगली शॉकिंगली हेल्प करने आ जाए ओजी ब्लड लाइन की, क्योंकि एक टाइम पे वो भी ओजी ब्लड लाइन के पार्ट थे। डेफिनेटली बाय ब्लड नहीं है वो, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट पार्ट थे उस टाइम पे वो पूरी स्टोरी के, डेफिनेटली उनका सेंस बनता है। अब ये तो एक सरप्राइजिंग चीज रही, लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग चीज हो सकती है इस मैच से, द फाइनल बॉस द रॉक यहाँ पे अपना गेन रिटर्न करके न्यू ब्लड लाइन की हेल्प कर दे इस मैच को जीतने में, विच विल बी अमेजिंगली गॉड लेवल। क्योंकि अभी तक हमें कोई चीज क्लियर नहीं कि द रॉक आए क्यों है, किसके अगेंस्ट जाने वाले हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम उन्हें किससे है, कोडी से, रोमन से, न्यू ब्लड लाइन से, कोई भी चीज ठीक से समझ नहीं आ रही है। अब एक बार रॉक जब आ गए, उन्होंने कोई साइड पिक कर लिया, तो ओजी ब्लड लाइन वाली या तो न्यू ब्लड लाइन वाली, वहां से हमें फिर डायरेक्शन तो क्लियर हो जाएगी एटलीस्ट कि सर्वाइवर सीरीज के लिए WWE करना क्या चाह रही है और क्या द रॉक वहां पे सच में कंपीट करने भी वाले या नहीं। और ऐसा नहीं कि हवा वाली बात है, बिकॉज ऑब्वियस है ना, अगर WWE ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन का मैच क्राउन जूल में करवा रही, तो सेम मैच एक आध बंदा एड करके वापस से सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के फॉर्मेट में करवाने का क्या ही सेंस बनता है। अगर बिल्कुल सिमिलरी मैच आपको दोबारा से करवाना है, तो फिर आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई बड़ा नाम तो ऐड करना पड़ेगा, एंड अगर वो बड़ा नाम द रॉक का हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली 10-star मैच हो जाएगा और सेम मैच होते हुए भी इसकी हाइप डबल हो जाएगी। सो दैट्स द थिंग। तो यार यही थी वो सारी इंटरेस्टिंग एंडिंग्स जो कि मुझे पर्सनली पॉसिबल लगती है तीनों मैचेस के लिए। अगर मैंने कोई मिस किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच की बात की थी कि होने किसके अगेंस्ट वाला है, जानना, तो यार ये रही वो वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।